हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि एग्जीक्यूशन के पेटिशन को किस आधार पर कोर्ट डिसमिस कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सिविल सूट जीतता है तो जीतने वाले पार्टी के फेवर में डिक्री पास किया जाता है, यानी चाहे वो प्लेंटिव के फेवर में पास हो या डिफेंडेंट के फेवर में पास हो, यानी कि वादी के पक्ष में हो या प्रतिवादी के पक्ष में हो। अब पक्ष में होने के बाद उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है, यानी उसके लिए एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, पेटिशन फाइल करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के पेटिशन को फाइल करते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, लेकिन उस सावधानियां के बावजूद भी कुछ कमी यदि रह जाती है कोर्ट के द्वारा भी, तो उस स्थिति में उस पेटिशन को डिसमिस करने की कोशिश किया जाता है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट हाल में पास किया गया है, जिस जजमेंट के माध्यम से इस पॉइंट को आज मैं क्लियर करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि जजमेंट पास कब किया गया है। जजमेंट 12 जनवरी 2024 को पास किया गया है। केस का टाइटल है आसमा लतीफ एंड एनोदर वर्सेज सबीर अहमद एंड अदर्स। जिस जजमेंट को देते समय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि निष्पादन आवेदन को खारिज किया जा सकता है यदि डिक्री को स्पष्ट रूप से उस अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्निहित कमी से ग्रस्त पाया जाता है जिसने इसे पारित किया है। न्यायालय ने निष्पादन करते समय यह पाया कि सीपीसी की धारा 47 के तहत उसमें आपत्ति देखा, उनके प्रारूप में आपत्ति देखा। वो देखा कि सीपीसी की धारा 47 जो है उसके तहत इस एग्जीक्यूशन के एप्लीकेशन में कुछ आपत्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण से उसने उस एग्जीक्यूशन की पेटिशन को डिसमिस कर दिया। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब कोई डिक्री को आप एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन का पेटिशन फाइल करते हैं तो आप उस कोर्ट में फाइल नहीं करते जहाँ से वो एग्जीक्यूशन, जहाँ से डिक्री आपके फेवर में पास हुआ है। डिपेंड ये करता है कि आपने केस जहाँ पे फाइल किए थे, जहाँ से डिक्री मिला है और जिस पे आपने केस फाइल किए थे, यानी कि जिस पार्टी ने केस को जीता है, अब जिससे हमको रिलीफ लेना है वो पार्टी कहाँ पे रहता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। पैसे की रिकवरी के सूट मान लीजिए मैंने किसी पे डाला, पार्टी बॉम्बे में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पैसे दिया था बॉम्बे के पार्टी को, मैंने उसको 50 लाख रुपया मान लीजिए दिया था, उसके बाद उसने पैसे नहीं लौटाया, मैं यहां से केस कर दिया दिल्ली से, जहां मैं रहता हूं उस क्षेत्राधिकार में जो भी कोर्ट है उस कोर्ट से मैंने उसको केस फाइल कर दिया। पार्टी को समन गया, पार्टी यहां पे आया, आने के बाद केस डिसाइड हुआ, पूरा ट्रायल चला, केस हम जीत गए। अब हमको यदि पैसा लेना है, यानी एग्जीक्यूट करना है, उसको निष्पादन करना है, डिक्री हमारे फेवर में आ गया। डिक्री फेवर में आने के बाद यदि हमको उससे पैसा लेना है, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए हमें एग्जीक्यूशन का पेटिशन फाइल करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूशन का पेटिशन कहाँ पे फाइल होगा? जहां पे पार्टी रहता है, यानी पार्टी का जहां पे प्रॉपर्टी है। क्योंकि कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें पार्टी पैसा नहीं देते, एग्जीक्यूशन पेटिशन दिए, बेलीफ अपॉइंट हुआ, पार्टी नहीं दिए, फिर हमको प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कराना होता है। यानी कहने का मतलब 82-83 का प्रोसीडिंग हम चालू है, उसके प्रॉपर्टी को हम अटैच करते हैं, जब्ती कुर्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पार्टी जहां पे रहता है वहां पे हम एग्जीक्यूशन का पिटिशन फाइल करते हैं। तो यहाँ पे डिक्री तो दिल्ली के कोर्ट से पारित हुआ और पार्टी वहां रहती है, तो वहां पे हमने एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल किया। अब यदि मुंबई के कोर्ट में हमने एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल किया और यदि वहां पे एग्जीक्यूशन पिटिशन फाइल करने के बाद जज साहब जब उसको देखते हैं और उनको पता चलता है कि सीपीसी की धारा 47 के तहत इसमें आपत्ति उत्पन्न होती है, तो वो क्या करते हैं, इसको डिसमिस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी जगह से, किसी सिविल सूट से आपका डिक्री
पारित हुआ है, डिक्री किसी कोर्ट से हुआ है, उस डिक्री को सही तरीके से पढ़ ले, नहीं तो यदि जो निष्पादन की आवेदन है आपका, उस आवेदन को डिसमिस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।